नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर, डेट मीन्स फ्रीज जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में। तो गाइस बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। अमेजोन की बात करें, स्पेशली फ्लिपकार्ट के नहीं लेके आए, इस बार अमेजोन के लेके आए। और गाइस क्योंकि बहुत सारे ब्रांड के कंपेयर करना गाइस बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि मैं एक्चुअली कैसे कंपेयर कर पाऊँ बहुत सारे ब्रांड्स, जैसे कि बात करो हायर हो गया, सैमसंग हो गया, इस टाइप के डुअल गेट फ्रीज जो कि गाइस एक प्रीमियम क्वालिटी सेगमेंट हो जाते हैं। और गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तब होता है कि यार मुझे सबका कंपैरिजन करना है, मैं कहाँ कौन सी वेबसाइट पर कंपैरिजन करूँ या कौन सी वीडियो पे ऐसा कंपैरिजन लेके आऊँ। तो गाइस फाइनली कंपैरिजन लेके आया हूँ मैं 10 ऐसे रेफ्रिजरेटर जो कि गाइस आप सोच रहे हैं कि हाँ यार डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदना है मुझे। तो गाइस ये जो पूरी वीडियो है डबल डोर रेफ्रिजरेटर पे, और जो नॉर्मल बजट है गाइस इसका आपको लमसम 50,000 से 60 या 70,000 रुपए तक की रेंज में मिल जाता है। लेकिन गाइस आप फ्लिपकार्ट पे ये जो वीडियो है ये सिर्फ अभी डिस्काउंट प्राइस है। आप इस पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगाते हैं तो आप 2 से 3 हज़ार रुपए या मतलब जो भी 10% तक है उसके हिसाब से और एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। तो भाई चलते हैं और जानते हैं वो कौन से ऐसे फ्रीज हैं जो कि आपको बात करें ग्रेट इंडियन सेल के दौरान बहुत सस्ते देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका प्राइस सेगमेंट। तो गाइस पहले पिक्चर दे लेते हैं, बहुत ही अच्छा डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और ये जो रेफ्रिजरेटर है ये हायर का 565 लीटर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इन्वर्टर साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर, और गाइस जो इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब 94% तक का डिस्काउंट, जो कि गाइस इतना तो नहीं होगा, लेकिन जो इसका प्राइस सेगमेंट आपको अब देखने के लिए मिल रहा है वो 64,999। मतलब ये है कि ये इसका जो सेल से पहले जो प्राइस होगा दोस्तों वो कम से कम नहीं होगा तो इसका 70 से 71 हज़ार रुपये होगा। और गाइस बात करें दूसरे रेफ्रिजरेटर की, तो ये जो है अमेजोन का बेसिक है, मतलब अमेजोन का अपना प्रोडक्ट है और यहाँ पे गाइस फुल ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ देखने के लिए मिलता है। बात करें इसमें अमेजोन का बेसिक 467 लीटर का आपको देखने के लिए मिलता है। फॉरेस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर अवेलेबल 38,249 रुपये, जो कि गाइस मतलब 40,000 रुपये से भी रेंज से कम चला गया हमारी। और गाइस ये 45% डिस्काउंट के साथ आता है, तो गाइस 45 तो नहीं मान सकते, मतलब हम 10-15% डिस्काउंट जरूर मान सकते हैं क्योंकि जो इसका ओरिजिनल प्राइस होगा वो 42 या 44 हज़ार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन अमेजोन की तरफ से देखा जाए तो बहुत सस्ता देखने के लिए मिल रहा है। बात करें गाइस ये है पैरासोनिक का डुअल डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि गाइस कहीं ना कहीं लुक वाइज बात करें तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और बात करें पैरासोनिक के 584 लीटर विथ इन्वर्टर, मतलब इन्वर्टर से भी चल सकता है ये साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर अवेलेबल 58,490, मतलब 58,404 रुपये का 36% डिस्काउंट, मतलब 36 तो नहीं होगा लेकिन ये आपको 64 या 65 हज़ार रुपये से कम देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अभी आप खरीदते हैं तो आपको अमेजोन पर सस्ता देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों बात करें सैमसंग का, जो कि इन डिस्प्ले आता है गाइस रियली बहुत ज्यादा एक अलग ही यूनिक प्रोवाइड करवाता है यूनिकनेस, तो गाइस मतलब टोटल मिला के बहुत अच्छा है। तो सैमसंग का 673 लीटर का ये मतलब रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर फॉरेस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर अवेलेबल एट 1,54,600 रुपये का, मतलब 33% का डिस्काउंट है। गाइस इसका मैंने शायद प्राइस देखा था पहले तो ये लमसम जो था 1,71,74,000 रुपये की आपकी रेंज में पड़ रहा था, लेकिन इस पर आप डिस्काउंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लगाते हैं तो आपको और सस्ता देखने के लिए मिल जाता है। बात करें दोस्तों दूसरे रेफ्रिजरेटर की वर्लपूल की, जो कि गाइस लुक वाइज बात करें मतलब ग्रेट नहीं कह सकते लेकिन मिड रेंज में फर्स्ट क्लास देखने के लिए मिलता है, क्योंकि डिस्प्ले सैमसंग की बात करें डिस्प्ले के वजह से कम पैसे में ज्यादा एक्स्ट्रा है, लेकिन आप नॉर्मली यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा वर्लपूल का 570 लीटर का इन्वर्टर फॉरेस्ट फ्री मल्टी डोर, मतलब मल्टी डोर क्या, दो ही डोर है इसके अंदर और इसके जो अंदर होती है छोटी छोटी इसलिए मल्टी का नाम दे दिया, मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर अवेलेबल 69,990 रुपये, मतलब ये आपको 60,000 रुपये की रेंज में पड़ जाता है, लेकिन जो इसका प्राइस होगा फिर वही आ जाता है 65,000 से 68,000 रुपये की रेंज में हो सकता है। 32% डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम बात की जाए तो अमेजोन के सेल के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पे बात करें लेआउट की, तो यहाँ पे लेआउट का गाइस मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हम इसकी अलग से तारीफ करें, बस एक बेसिक सा डिजाइन है और अंदर आपको कुछ अलग देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस 570 मतलब बात करें 87 लीटर का, 587 लीटर का देखने के लिए मिलता है, और इन्वर्टर का फॉरेस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर और जो इसका प्राइस सेगमेंट है 58,990 रुपये का, इससे अच्छा बर्डपूल का लग रहा है देखने में, 31% डिस्काउंट, मतलब ये
64 या 65 हज़ार रुपये की रेंज में होगा, लेकिन आपको 5 हज़ार का डिस्काउंट इसमें भी देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों बात करें हायर का, 570 लीटर का इन्वर्टर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर जो कि 58,450 रुपये का, इस पर आपको 54%, क्योंकि गाइस हायर के प्रोडक्ट थोड़े से महंगे होते हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि ये शायद 65 से ज्यादा महंगा होगा, लेकिन आपको अमेजोन की सेल पे सस्ता देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों बात करें अमेजोन बेसिक का एक और प्रोडक्ट जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने के लिए लग रहा है, और जो इसका प्राइस सेगमेंट है दोस्तों वो है, ये पहले बात करें स्पेसिफिकेशन की, अमेजोन बेसिक 564 लीटर में आपको मिल जाता है, साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर अवेलेबल 46,990 रुपये, मतलब 47,000 रुपये की रेंज में पड़ जाता है गाइस, और 37% इस पर डिस्काउंट है, लेकिन ये 50,000 रुपये की रेंज का से नीचे का नहीं होगा, लेकिन आपको अमेजोन सेल पे सस्ता मिल जाता है। और दोस्तों बात करें एलजी का जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो रेफ्रिजरेटर में लुक वाइज बात करें बहुत अच्छा है, 10 साल की वारंटी हम स्टिकर में ही देख सकते हैं, एलईडी डिस्प्ले साइड में, मतलब एक शायद इसमें मल्टी डोर 4 डोर है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बीच में है, तो अलग 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 खोल सकते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन आप अमेजोन पे या इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो 687 लीटर का आपको वाईफाई इन्वर्टर का, इस मतलब इसमें आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, डेट मीन्स ये है कि आप मोबाइल पे भी इसे कंट्रोल कर पाएंगे, और शायद कैमरा हो तो देख भी पाते शायद हो, तो बाकी बात तो आप पूरी डिटेल इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, लेकिन आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे फॉरेस्ट साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर अवेलेबल 82,990 रुपये, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो वाईफाई वाला आ गया ना ऑप्शन, इस वजह से महंगा है, ऊपर से इसकी मल्टी डोर सिस्टम है, मैं कह ही रहा हूँ तभी ये इस वजह से महंगा है। इसका जो प्राइस सेगमेंट है 33% डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन गाइस रियली ये 90 से ऊपर का होगा, क्योंकि जो फैसिलिटी दी जा रही है और अमेजोन सेल के द्वारा ये आपको थोड़ा सस्ता देखने के लिए मिल जाता है। बात करें गाइस आखिरी प्रोडक्ट हमारा मीडिया, वैसे तो मीडिया हो जाना चाहिए था इसका नाम, मगर कुछ अलग मतलब बात करें प्रेजेंटेशन से डिफरेंट दिया है, तो लुक वाइज बात करें तो अमेजोन बेसिक की तरह लगता है देखने में, लेकिन यहाँ पे हैंडल बाहर दिए हैं, कोई आसपास से गुजरता है तो जो कि गलत है, हैंडल बाहर नहीं होना चाहिए रेफ्रिजरेटर के। तो लेकिन गाइस बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 584 लीटर का पड़ता है साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर विथ इन्वर्टर, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और 53,990 मतलब 54,000 रुपये का पड़ जाता है। इसका जो प्राइस सेगमेंट था उससे ये 29% डिस्काउंट में मिलता है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है, तब ये 39% डिस्काउंट में मिलता है तो गाइज इसका ओरिजिनल प्राइस 60,000 रुपये, तो गाइज ये 60,000 रुपये की रेंज में नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे कुछ खामियां है इसके अंदर। लेकिन गाइस आज हम 10 रेफ्रिजरेटर लेकर आए थे, तो आप हमें जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, बाकी बात आगे वीडियो में लगातार करते हैं। तो गाइस टोटली आपने 10 रेफ्रिजरेटर देखे, सारी कंपनी को मैंने डिटेल कोशिश की कि मैक्सिमम डिटेल पुट कर पाऊँ विद इमेज, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है कितने लीटर के होते हैं। तो गाइस आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवाई, तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।